क्या अनचाही कॉल्स अब बीते दिनों की बात होगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इससे निजात दिलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को हथियार बनाया है। टेलीकॉम कंपनियां भी स्पैम कॉल से दो दो हाथ करने के लिए कमर कस चुकी हैं। आज हम कहेंगे कि क्या एआई युक्त स्पैम फिल्टर से अनचाही कॉल्स पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी, क्या इससे फ्रॉड वाली जो मैसेजेस हैं उनको भी रोका जा पाएगा। स्पैम कॉल्स को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की तैयारियों पर भी करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दरअसल स्पैम कॉल से छुटकारा पाने के लिए ट्राई ने एआई को हथियार बनाया है और सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने को कहा है ताकि लोगों को अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सके। ये स्पैम फिल्टर अनवांटेड कॉल को ट्रेस करने का काम करेगा और कंज्यूमर के फोन पर फेक कॉल्स आने से पहले ही नेटवर्क सिस्टम पर ही इसे ब्लॉक कर देगा। ट्राई ने यह भी साफ किया है कि बैंक, आधार या किसी दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े मैसेज और कॉल के लिए अलग सीरीज के नंबर अलॉट किए जाएंगे, बाकी के सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब इन सभी से संबंधित मैसेज या के स्पेशल सीरीज के नंबर से ही आएंगे। पहले समझते हैं कि एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर क्या है। दरअसल फेक और प्रमोशनल कॉल्स को स्पैम फिल्टर से पहचानने में मदद मिलेगी। एक बार कॉलर की पहचान हो जाने के बाद कॉल को नेटवर्क पर ही रोक लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी कॉल्स या फ्रॉड मैसेजेस को ट्रेस करना आसान होगा। दरअसल यह फिल्टर स्पैम कॉल्स को पहचान कर उन्हें कैटेगराइज करेगा कि आने वाली कॉल नॉर्मल है या फिर प्रमोशनल। अनचाही कॉल को ट्रेस करने के बाद टेलीकॉम कंपनियां ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर। टेलीकॉम कंपनियां जिस एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर पर काम कर रही है वह अपने अंतिम तले एसएमएस से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा साइबर क्राइम को रोकने में मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस फिल्टर के लिए वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ने टेलना प्लेटफॉर्म से एग्रीमेंट किया है। एयरटेल और रिलायंस जियो भी स्पैम फिल्टर लगाने के अंतिम चरण में है। स्पैम कॉल से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा इसे आशंकाएं भी हैं। दरअसल देश में करीब 2.5 लाख रजिस्टर्ड टेली कॉलर्स कंपनियां मौजूद हैं। उन्हें जारी किए गए नंबर की पहचान और उन पर नकेल कसना तो आसान होगा, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक करीब 5 लाख अनरजिस्टर्ड टेली कॉलर्स कंपनियां देश में काम कर रही हैं। इनसे निपटना टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल तो ट्राई की एआई बेस्ड स्पैम कॉल फिल्टर लगाने की